हेलो, अगर आप आर्ट टीचर हो या आर्ट टीचर बनना चाहते हो तो मैं आपके साथ यहाँ पे 3 टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट इज़ आपका आपके स्टूडेंट की तरफ पर्सनल अटेंशन होना चाहिए। अगर आपका और स्टूडेंट का बॉन्डिंग अच्छा रहा तो स्टूडेंट खुल के आपको सारी चीज़ें बताता है, वो आपके साथ फ्रेंड से जैसे बर्ताव करता है और इसका जो असर है वो उनके ड्राॅइंग्स पर होता है और बहुत ही सुंदर सुंदर ड्राॅइंग्स उनके क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2 इज पेशेंस। पेशेंस आपको एज अ टीचर रखना चाहिए क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है, कोई क्विक ग्रास्पर होता है तो कोई स्लो लर्नर होता है। तो स्टूडेंट को अगर आप समझ के उनके क्वेश्चंस को बार बार आंसर करके अगर आप उनको सिखाते हो तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से मिल सकते हैं। एंड नंबर 3 टिप इज वेरिएशंस इन टीचिंग। आप कभी कभी स्टूडेंट्स के साथ स्टोरी शेयर किया करो, कर सकते हो आप। उसके बाद आप कभी उनको कोई ड्राइंग अच्छे से आर्टिस्ट का ड्राइंग कॉपी करने के लिए दे सकते हो, कभी उनको सेल्फ थिंकिंग करने के साथ उनका ड्राइंग आप करके ले सकते हो। इससे क्या होगा, स्टूडेंट जो है अलग अलग वेरिएशंस में ड्राइंग जब करता है तो उसका जो माइंड है, क्रिएटिविटी है, वो बढ़ने में बहुत अच्छे से, उसका इमेजिनेशन बढ़ने में बहुत अच्छे से मदद होती है और बहुत अच्छे से उनके आर्ट पोर्टफोलियो क्रिएट होते हैं और बहुत अच्छे से वो ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मंजूषा येवले, क्रिएटिव एंटरप्रेनर।